partners in the process of economic stabilization and growth. On 4 July, the Honorable Lok Sabha Speaker, Srimati Sumitra Mahajan, was invited as the chief guest at the workshop on the theme Principles and Practices in Parliamentary Democracy and Management of Public Finance for the members of Jharkhand Vidhan Sabha in Ranchi. We bring you the highlights of this event. Srimati Sumitra Mahajan delivered an address on the theme Principles and Practices in Parliamentary Democracy and Management of Public Finance for the members of Jharkhand Vidhan Sabha. Observing that the success of parliamentary democracy lies in healthy and purposive debates, Srimati Mahajan said that a vast body of procedural tools has been developed over the years to enable legislators to contribute meaningfully in parliamentary work. As such, it is the duty of all legislators to familiarize themselves with such procedural tools so that they could add to the quality of debates on the floor of the house. हम जो आज इकट्ठे यहाँ बैठे हैं, हमें यह देखना है हमारी क्या भूमिका, हमने क्या करना चाहिए कि आज इतने साल बाद भी अगर 84% लोग कहीं गरीब है, गरीब ही कहेंगे, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, 60% हैं, वो भी कोई कम नहीं होता है, या जो भी स्थिति दर्शाई गई है, कहाँ खामी हो गई, क्या हो गया, क्या कमी हो गई, ये कहीं ना कहीं देखना काम हम लोगों का भी है। बजट में पास होने वाली चीजें जनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, और इसकी कड़ी जो है जोड़ने वाली, ये जोड़ने वाली कड़ी आप हो, उस बजट का लाभ जनता तक पहुंचाने वाले आप हो, या जो योजनाएं बनाई गई अगर बनाते समय उसमें खामी रह गई, आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो वो जो खामी रह गई और उसके कारण योजना नहीं पहुंच पाई, या जो योजना पहुंचाने वाले अधिकारी हैं नीचे तक वो समझ नहीं पाए हैं इसके लिए नहीं पहुंची, या वो समझना नहीं चाहते इसके लिए नहीं पहुंची, या आपने भी कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया उस बात को इसके लिए नहीं पहुंची, ये भी देखने वाले आप हैं, जिम्मेदार आप हैं। कंटिन्यूअसली किसी भी बात को बोलते रहो, करते रहो, मौका पाते रहो, ये विधानसभा में आपको करना है, चाहे आप सदस्य विपक्ष के हो या पक्ष के। मेरे क्षेत्र के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना और क्षेत्र की समस्याएं किस तरीके से कैसे उठाए ये सतत ध्यान देना ये आवश्यक है, लेकिन सब कुछ करते समय मर्यादा का भी ध्यान रखना, जो भी नियम है किस तरीके से बोलूं, कैसे बोलूं, क्या नियम है, क्या कानून है बोलने के, ये कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन करना, ये चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये हमारा प्रथम कर्तव्य। और ये प्रथम कर्तव्य क्यों है, केवल कर्तव्य है ऐसा नहीं, हम जनप्रतिनिधि बन गए, और अगर हम जनप्रतिनिधि बन गए तो ये मत समझो कि हमें केवल बोलना है या कुछ नहीं, आपकी तरफ हजारों आंखें लगी रहती है, आप कैसे रहते हो, आप कैसे बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, आपका व्यवहार, और केवल मैं आपको बताऊं व्यवहार ऐसा भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर जनता का ध्यान रहता है, आप कहाँ जाते हो उस समय का कैसा व्यवहार। जनप्रतिनिधि बनना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो ये जो व्रत आपने लिया है, समाज सेवा का व्रत लिया है, और इसलिए ये व्रत अंधता से भी नहीं लिया है, सोच समझ के लिया है, हमें करना है। तो आज अगर वहाँ सीखोगे तो आगे जाके जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन भी हो या सामाजिक जीवन भी हो उसमें उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है, याद रखते हैं लोग। 6 July was the birth anniversary of Dr.